चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। Our first topic is chemical reactions. Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed. Chemical reaction एक ऐसी process है जिसमें नए substance बनते हैं नई properties के साथ. It means जो substance react कर रहा है और जो reaction के बाद बनता है दोनों की properties में difference होता है. Chemical reactions involve chemical changes. केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व रहते हैं. ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ एटम को रीअरेंज किया जाता है. एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं. मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है जो कि साइंस लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होती है. मैग्नीशियम मेटल रिबन के फॉर्म में या फिर वायर के फॉर्म में यूज की जाती है. नाउ एग्जांपल, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न इन एयर विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन को जब हीट करते हैं तो या उसको एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है. डेजलिंग मीन वेरी ब्राइट, एक ब्राइट लाइट के साथ वो बर्न होता है और एक वाइट पाउडर बनाता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. नाउ द एग्जाम्पल इज इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू हीट के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. यहाँ मैग्नीशियम जो है वो तो या वायर के फॉर्म में या हम रिबन के फॉर्म में यूज करते हैं. और जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है ये हमें वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है. मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले उसे क्लीन कर लेना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है. एक्चुअली होता क्या है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें यूजुअली कोटिंग होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग जो मॉइस्चर एयर है उसकी स्लो एक्शन के साथ उस पर बेसिक कार्बोनेट की एक लेयर लग जाती है. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो मिक्सचर होता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो मिक्सचर है मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मॉइस्चर में जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहती है उस पे एयर की मैग्नीशियम पे एयर की रिएक्शन से एक कार्बोनेट की एक कोटिंग आ जाती है. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है. तो इस लेयर को जो बेसिक कार्बोनेट की लेयर है इस लेयर को रिमूव करने के लिए बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है. नोट्स के लिए क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर सो दैट अनवांटेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड वी बर्न ओनली प्योर मैग्नीशियम मेटल. दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन. इट इज क्लीन बाई रबिंग विथ अ सैंड पेपर.
मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब किया जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हटाने के लिए सैंड पेपर से रब किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। नाउ प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, वही वाला एग्जाम्पल हम इसको यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये है हमारे रिएक्टेंट। और ये है रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये है प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट दो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो रिएक्टेंट वन और मोर देन हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी हमारा एक या एक से ज़्यादा, प्रोडक्ट भी हमारा एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो रिएक्टेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन की लेफ्ट, मतलब ये एरो के लेफ्ट साइड जो प्लेस्ड होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के जो राइट साइड होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम रिएक्शन करा रहे हैं जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर रिएक्टेंट है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहां पर प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट भी दो हैं और प्रोडक्ट भी दो हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनमें हमारे रिएक्टेंट के नंबर्स हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। रिएक्टेंट वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है एंड मोर देन टू भी हो सकते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट भी हमारे, प्रोडक्ट वन सिंगल प्रोडक्ट भी बन सकता है, टू प्रोडक्ट भी बन सकता है एंड मोर देन टू भी हो सकते हैं। थैंक यू।